हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनी ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो मैं हूँ हनी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना होठों को खूबसूरत और सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का तरीका। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम आ ही चुकी है। सर्दी का मौसम में काफ़ी सारे लोग होठे सूखे सूखे ड्राई हो जाते हैं। ये हर किसी को एक कॉमन प्रॉब्लम है सर्दी का मौसम में। तो इस मौसम में अपना होठों को लिप्स को स्मूथ और सॉफ्ट बनाने का तरीका मैं आपको कम्प्लीटली दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो अच्छी रिजल्ट के लिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं। अभी मैं बताने वाली हूँ होठों को नेचुरली स्मूथ बनाने के लिए। इसके लिए हमें लेना है ऑलिव ऑयल। सबसे पहले एक क्लीन बाउल लीजिए। एक क्लीन बाउल में हमें ऐड करना है शुगर। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि शुगर अपने होठों को अच्छी तरह एक्सप्लोइट करता है। शुगर अपना होठों के ऊपर अप्लाई करने से इससे अपना होठों के ऊपर डेड स्किन सेल जो होता है वो रिमूव होगा और अपना होठों भी बहुत स्मूथ और सॉफ्ट दिखता है। काफ़ी सारे लोगों को होठ ना सूखे सूखे ड्राई ड्राई हो जाती है, इसलिए होता है होठों के ऊपर डस्ट ज़्यादा दिखने की वजह से। और ज़्यादा काफ़ी सारे लोग हमेशा लिपस्टिक अप्लाई करते हैं और लिपस्टिक अच्छे से रिमूव नहीं करने की वजह से भी अपना होठों के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाती है। तो उसको भी हटाना है तो शुगर का स्क्रब जो है कंपलसरी इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैं 1 चम्मच शुगर ले चुकी हूँ और इसमें हमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ऐड करके दो चीज़ को अच्छे से मिक्स करनी हूँ। याद रखिए, 1 बड़े चम्मच शुगर में चीनी में 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करना है। ऐड करके दो चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्सअप तैयार हो गया शुगर स्क्रब। सिंपल है, ऑलिव ऑयल और शुगर। आप वाइट शुगर यूज़ कीजिए क्योंकि ऑलिव ऑयल अपना होठों को सॉफ्ट और स्मूथ बना देती है। सर्दी का मौसम में काफ़ी सारे लोग लिप्स जो है फट जाते हैं और ड्राई हो जाती है, सूखे सूखे हो जाते हैं। फटे होठों के लिए ये बेस्ट नुस्खा है। ऑलिव ऑयल अप्लाई करने से ये अपने होठों को मॉइस्चराइज रखता है हमेशा और साथ ही होठों के ऊपर पिगमेंटेशन को टैनिंग को रिमूव करती है, अपना होठों को सॉफ्ट खूबसूरत और पिंकिश बना देती हैं। स्क्रब दो चीज़ इस्तेमाल करके तैयार हो चुके हैं। सिंपल है स्क्रब को। आप चाहिए तो एक केयर टाइप के कंटेनर में छोटे डब्बे से डाल के रेफ्रिजरेटर में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। अब जब भी स्क्रब करना है थोड़ा क्वांटिटी लेके अपने होठों के ऊपर स्क्रब कर सकती हो। इस स्क्रब को आप लिपस्टिक रिमूव करने के बाद इस स्क्रब को होठों के ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर लड़कियाँ इसको यूज़ करना है, अगर लड़के हो तो आप नॉर्मली होठों को नीटली वॉश करके ये स्क्रब को अप्लाई कर सकती हूँ। अप्लाई करके 2 मिनट के लिए होठों के ऊपर हल्के हाथों से स्क्रब कर लेना है। ऐसे करने से सारे टैनिंग जो है, पिगमेंटेशन जो है रिमूव होगा और होठ लिप्स भी बहुत स्मूथ और सॉफ्ट दिखता है। इस तरह आप हर रोज़ सुबह उठते ही ट्राई कीजिए। सिर्फ 5 दिन में आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। इससे अपना होठों सॉफ्ट और स्मूथ होगा और होठों के ऊपर डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होके पिंकिश भी हो जाएगा। तो 100% नेचुरल नुस्खा है, इसको कोई भी ट्राई कर सकती हूँ। बचा हुआ स्क्रब को आप कुछ भी 8 टाइप की कंटेनर में डाल के स्टोर भी कर सकती हो 1 हफ्ते के लिए। इस तरह कंटिन्यू 1 हफ्ते तक ट्राई कीजिए, आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। आप इसको जब भी अपना होठों सूखे सूखे ड्राई दिखता है, टैनिंग और पिगमेंटेशन हो जाती है, तब इस स्क्रब को इस तरह बना के इस्तेमाल कीजिए। ये सिंपल बनाना भी बहुत आसान है और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज को मेरी लिप्स को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का तरीका। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कुछ भी कमेंट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।